What is up guys? I hope आप सब लोग अच्छे हो. तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपका होली जो है सेलिब्रेट करा हो. Cheers to that. लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ हमारे ऑफिस में बहुत दिनों के बाद. तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज स्वीडिश फीका के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे ऑफिस में आज बहुत टाइम के बाद, 2 साल के बाद, ऑल्दो मैं इस ऑफिस में 1 साल से जा रहा हूँ, 2 साल के बाद आफ्टर वर्क हो रहा है. तो आफ्टर वर्क क्या होता है कि आप काम करके थक गए, बहुत काम कर लिया, थक गए, तो थोड़ा खाना पीना, तो उसको आफ्टर वर्क बोलते हैं. उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं फीका के बारे में. तो फीका होता क्या है, तो फीका के हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ. तो 17th सेंचुरी में स्वीडन में फीका इतना फेमस नहीं था. फीका में होता क्या है, कॉफ़ी और केक वगैरह या फिर कुछ मफिन्स या फिर रोसेंट वगैरह आप खाते हो, तो उसको फीका बोला जाता है. फीका आया कैसे, तो 17th सेंचुरी के दौरान कॉफ़ी उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ था स्वीडन में. बहुत टाइम कॉफ़ी जो है वो बैन हुआ था. तब के जो राजा थे, जो किंग थे, गुस्ताव III, आई थिंक उन्होंने काफ़ी बार बैन करा था कॉफ़ी, और स्वीडन में काफ़ी टाइम बैन था. तो कॉफ़ी उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए लोगों को शायद कॉफ़ी पीने का जब मन करता था तो उन लोगों ने एक सीक्रेट वर्ड यूज़ किया जिसका नाम था काफ़ी, KAFFI. तो उसको यूज़ करके लोग आपस में मिलते रहते थे कि हम लोग आज कॉफ़ी पे जा रहे हैं. तो वैसे उस टाइम पे मैं भी बोलते होंगे कि काफ़ी. तो ये जो फीका वर्ड है ये काफ़ी से जनरेट हुआ है. जैसे काफ़ी को अगर थोड़ा सा उसको चेंज कर दे सिलेबल, तो जैसे काफ़ी हो जाएगा फीका. तो वहाँ से ये फीका वर्ड जो है वो आया है. जो राजा थे, गुस्ताव III किंग थे, तो उनका जो साम्राज्य चलता था उस टाइम पे, तो वो ऐसे सोचते थे कि जब ये बहुत सारे लोग कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किए, तो उनको लगा कि ये सब होने से लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो एक ग्रुप बन जाएगा, तो उससे आंटी मोनार्क सेंटिमेंट जो है लोगों के अंदर जग जाएगा. तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाया गया था. कॉफ़ी इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको इंपोर्ट फी जो टैक्स होता है वो देना पड़ता था. तो उस टाइम पे जो लोग कॉफ़ी पीते थे उनके ऊपर बहुत हैवी फाइन भी लगता था. तो 18th सेंचुरी तक आते आते कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलराइज हो गया. लेकिन उनके टाइम पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने ऐसे पढ़ा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली इट इज ट्रूथ और नॉट. राजा गुस्ताव ने क्या किया कि 2 प्रिजनर थे, तो उनको बोला कि मैं तुम लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो मैं तुमको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दूंगा, डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, और तुमको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी. तो उन लोगों ने बोला ठीक है. तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको क्या करना था, एक जन को पीना था कॉफ़ी 3 times a day एक पॉट में, और दूसरे जन को 3 times in a day चाय पीनी थी. तो ये एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा कि जो प्रिजनर जो चाय पीता था वो 83 years में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जो कॉफ़ी पीने वाला बंदा वो ज़्यादा देर जिंदा रहा. तो ये कुछ कहानी है. फिर वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कॉफ़ी एंड दिस फीका कल्चर. ये एक खाली कॉफ़ी पीना नहीं है, हम जैसे जाके कॉफ़ी दुकान में पीते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स इन देयर कल्चर. इसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. जैसे मॉर्निंग में आप कॉफ़ी पीते हो तो एक साथ बैठ के बातचीत करते हो, ऐसे आफ्टरनून में भी हाफ एन आवर आप बैठ के ऐसे बात करते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ ड्यूरिंग अ फीका. स्वीडन में सारे ऑफिसेस में ये होता है. इट इज़ वेरी वेरी फेमस. और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:15. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, काफ़ी जल्दी है पता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग 8 बजे चले जाते हैं. तो मैं अब जब भी ऑफिस जाता हूँ कोई ना कोई होता है, तो मुझे आज पहले जाना है. मैं देखना चाहता हूँ ये लोग कब आते हैं एग्जैक्टली. तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे सेंटेरिक्स प्लान. तो यहाँ से 300 मीटर दूर पे मेरा ऑफिस. और आजकल वेदर जो है वो इतना ज़्यादा सही हो रखा है ना, सुबह 7 बजे भी आपको सनलाइट दिख जाती, तो बड़ा मज़ा आता है. हम लोग लंच वंच करने के बाद वॉक पे जाते हैं. तो उस दिन मैं एक्चुअली मेरे टीममेट्स को बोला कि यार आप लोग थोड़ा सा बताओ फीका वीका के बारे में, मैं अपने वीडियो में बनाऊंगा. तो बोलते कि नो, यू हैव 5000 सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग हैं, हमको देखेंगे जज करेंगे तो हम वीडियो में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया. तो बेसिकली हम लोग जाते हैं ऑफिस सुबह, काम वगैरह करते हैं, मीटिंग रहती है हमारी, उसके बाद काम वाम करते हैं. तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे वो मतलब सीन नहीं लाऊंगा कि मैं ऐसे कैमरा यहाँ रखा हूँ और काम कर रहा हूँ, दैट्स वेरी क्लीशे.
आजकल मैं स्वीडिश सीखने जा रहा हूँ, तो मेरा ये जो टीममेट है इसके साथ मैं हमेशा स्वीडिश में थोड़ा बहुत बात करता हूँ। लेकिन अगर आप स्वीडिश नहीं सीखना चाहते हो तो उन लोगों को हिंदी सिखा लो, वो अच्छा रहेगा। ट्रूथ नो आई फॉरगॉट आपका क्या है नाम, आपका नाम क्या है? तो इसको मैंने बोला यार तू थोड़ा बता दे, तू थोड़ा, इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है। लेकिन फिर मैंने जब कैमरा इसके तरफ किया, इसने पूरा बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को कैमरे के सामने नहीं आना। व्हाट अबाउट दिस? हेलो, हेय सर। तो फिर कुछ बन नहीं पाया। तो ये हो गया हमारा फीका, ये ऑलमोस्ट एवरी वीक सेलिब्रेट होता है, कभी कभी दो बार भी कर लेते हैं यहाँ पे। दे जस्ट नीड अ रीज़न कि हम लोग फीका थोड़ा सेलिब्रेट कर ले। हमारे ऑफिस में ऐसा होता है कि आपको हर वीक कोई ना कोई टीम से एक बंदा, कोई बंदा जाके खरीद के लाएगा या फिर घर में बेक करके भी ले सकता है। तो जैसे मैंने बताया, आफ्टर वर्क इज़ ऑल्सो वेरी फेमस हियर, सारे ऑफिस में ऑलमोस्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि काम जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद बहुत, आज जैसे होली है तो मेरा एक दोस्त है गोथेनबर्ग में, उनके ऑफिस में होली सेलिब्रेट करा जा रहा है, आफ्टर वर्क होली सब कुछ मिला के कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ इतने इंडियंस मतलब नहीं है, और फिर हमारा जो आफ्टर वर्क था वो वेंसडे था, तो इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। तो इसमें क्या होता है कि आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, नॉर्मली बाहर जाके खाते हो, या फिर आप ऑफिस में भी ऑर्डर कर सकते हो। हमारे यहाँ पे ऑर्डर किया गया था पिज़्ज़ा, और ऑब्वियसली इट्स लाइक वेज नॉन वेज सब कुछ ऑप्शन आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको जो मन करेगा वो ले आएंगे। तो और उसके साथ रहता है ड्रिंक्स, जैसे बियर हो गया, या फिर बियर ही रहता है यहाँ पे, लोग बहुत तरह तरह के बियर मिलते हैं, इट्स नॉट लाइक ओनली अल्कोहल वाला मिलता है, अल्कोहल फ्री बियर भी रहता है। एक ईपा करके IPA करके है, वो बहुत ही अच्छा टेस्टी बियर होता है। तो बियर और पिज़्ज़ा होता है, और बैठ के बातचीत करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो बड़ा मजा आता है उन लोगों के साथ बात करने में, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। एंड दे इट्स नॉट लाइक कि आप अगर इंडियन हो तो आपको दूर रख के अपना स्वीडिश में बात करेंगे, दे ट्राई टू यू नो ब्रिंग यू, और एक ग्रुप बना के, मैं जितना टाइम था इंग्लिश में बात चल रही थी तो काफ़ी अच्छा था। तो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट फीका एंड आफ्टर वर्क। अगर आप भी स्वीडन आ रहे हो किसी कंपनी में काम करने के लिए, नॉट ओनली इन IT, आई थिंक इट्स किसी भी फील्ड में अगर आप हो तो आई थिंक फीका तो आप जरूर सेलिब्रेट करोगे। तो ऑल द बेस्ट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि होली आ रही है बहुत ही जल्दी, मतलब कल ही है होली, बट पता नहीं यहाँ पे क्या सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। लेकिन नेहल मुझे इस बार बना के पिला रही है, क्या बोलते हैं उसको, ठंडाई। मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया, तो उसका जो प्रिपरेशन अभी चल रहा है, देखते हैं कल पियेंगे तो आप लोगों को कल भी दिखाएंगे। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस-पास साथ। जैसे कि आपको पता है होली है, तो हम लोग मतलब मैं अभी जा रहा हूँ होली का कलर्स लाने। तो यहाँ पे जो एनग्रोसन है वहाँ पे भी, वो एक इंडियन स्टोर है, वहाँ पे है नहीं, वो लोग नहीं ला पाए इस बार इंडिया से। बट हैकबिक करके एक जगह है, सोलन तरह जाते टाइम पड़ता है, तो वहाँ है कलर, हैकबिक ग्रॉस करके एक स्टोर है, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो हमारी फफंडी बन के तैयार, नहीं ठंडाई रेडी हो गई है बन के। ये है उसका जो क्या बोलते हैं इसको, मसाला, ठंडाई का मसाला और दूध, और बना रही है मिस। हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ ठंडाई को लेके, फफंडी फंडाई कुछ भी बोल दो, क्योंकि मुझे, मैं एक्चुअली ओडिशा से हूँ और मैंने कभी भी ये ठंडाई वंडाई नहीं पिया है, तो आज पहली बार पी रहा हूँ, देखते कैसा लगता है। ओडिशा में होली कल है, जबकि सारे इंडिया में आज ही है। अच्छा, लेकिन हम लोग कल, मैंने मम्मी पापा को कॉल किया था तो वो लोग बोले आज नहीं है, कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये गुजिया लिया है मैंने यहाँ पे, मैंने आपको इंस्टाग्राम में भी दिखाया था, जो लोग स्टॉकहोम वगैरह में है तो वो यहाँ से ले सकते हैं, हेगविक ग्रॉस। बट अभी जो वीडियो आएगा तब तो होली ही खत्म हो गया होगा, बट ठीक है, कलर भी मिल गया। रेड कलर नहीं मिला, गुलाल जो होता है वो मिला नहीं, वहाँ पे था नहीं, और ये हमारा
बहुत अच्छा, इसके साथ थोड़ा भांग चाहिए था। और यहाँ पे गुजिया जो मैं लाया था बहुत ही अच्छा टेस्ट है, चार थे और हमने एक खा लिया, अभी मैं और एक खाता हूँ। बहुत ही अच्छा, नाइस। हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। आप लोगों की जो दिवाली है वो बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट, दिवाली नहीं नहीं, और आप लोगों की जो और आप लोग दिवाली बहुत दिनों के बाद ठीक है मत कर